मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आपके सामने रखूं। तो मेरे अजीज साथियों, जैसा मैं बता रहा था आपको कि मुझे हुक्म हुआ है कि ये टॉपिक के बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूं, तो इनशाला मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक टॉपिक को सारी तरीकों से कवर करूं, और इनशाला अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो फिर हम वो कवर करेंगे इनशाला। तो सबसे पहले मैं कुरान की तिलावत से इसको शुरू करता हूँ। सेकेंड, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ये इसका ट्रांसलेशन है, तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए महज आजमाइश है और अल्लाह के पास तो बड़ा अजर है, बस जहां तक तुम से हो सके अल्लाह से डरो और सुनो और हुक्म मानो और अपने भलाई के लिए खर्च करो, और जो शख्स अपने दिल के लालच से महफूज रखा गया सो वही फलाह भी पाएगा पाने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, ये जो सूरह तगाबुन की जो आयतें हैं दो, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें जब हम कुछ कमाई करते हैं तो हमें उस चीज का ख्याल रखना है कि वो हमारे लिए सवाब का सबब बने, ना कि गुनाह का और आजमाइश का। और ये जो औलाद है और जो हमारे फैमिलीज है, उसके लिए कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि जैसे भी हो पैसा कमाए ताकि उन्हें खुश रखें, मगर भूल जाते हैं कि इसकी हमें पूछ होगी। जैसा मैंने यहाँ पर एक दूसरी एक फोटो डाली है जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला 5 सवालों के जवाब हमसे पूछेंगे, जिसमें से 2 अहम सवाल कमाई से रिलेटेड है। एक तो सवाल ये है कि आपने कमाया कैसा, और दूसरा सवाल है कि आपने खर्चा कैसे किया। तो अगर एक बंदा उसका हिसाब यहाँ पर नहीं रखता है, बस अलाधुन अपनी मर्जी से कमा रहा है और अपनी मर्जी से खर्चे कर रहा है ये सोचे बगैर कि उसकी कोई पकड़ होगी या उसकी कोई पूछ होगी, तो वो गलत है। तो बजट भी एक ऐसी एक उसी का हिस्सा है। अगर एक इंसान अगर उसका हिसाब रखना शुरू करेगा इंशाल्लाह कि मुझ पे ये पकड़ होगी, तो खुद ही उसमें वो सारी समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज उसे करनी चाहिए कौन सी चीज उसे नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बजट है ये एक सिर्फ दुनियाई एतबार से जरूरी नहीं है, एक मुसलमान के लिए उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो माशाल्लाह कमाने वाली मतलब सोसाइटी से हैं और उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी भी होती है, तो उन्हें ये 2 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए मैं ये सारी चीजें इंशाल्लाह मेरे प्रेजेंटेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है और जो हम जो कवर करना चाह रहे हसन भाई, मैं और यूसुफ चोरगे साहब, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस और ये जो COVID-19 में जो हालात बन चुके हैं उनको नजर में रखते हुए ये सारे प्रेजेंटेशंस हो। तो अभी जो हम देख रहे हैं आप लोगों के सामने कुछ, अभी जो प्रेजेंट मार्केट का इम्पैक्ट है उसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखते चलूं मैं, कि अभी जो जो एस्टिमेट्स आ रही हैं वो है कि 2020 और 2021 में जो टोटल इम्पैक्ट होगा ग्लोबली बिजनेसेस के ऊपर और आमदनियों के ऊपर, वो तकरीबन $9 ट्रिलियन का होगा। तो ये कोई छोटी रकम तो है नहीं, और चूंकि इसमें तकरीबन 125 कंट्रीज से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, तो ये है सो सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। और अंदाजा ये है कि तकरीबन जो वर्किंग आवर्स हैं लोगों के, जो एवरेज वर्किंग आवर्स होते थे उसमें 10.5% इम्पैक्ट हो चुका है। और सुन के आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा कंपनीज ग्लोबली अफेक्ट हो चुके हैं, जो कि
रिकग्नाइजेबल है, बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी बोल के नहीं है, जो सारी मीडियम और जो बड़ी कंपनी है, तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा ग्लोबली कंपनीज इम्पैक्ट हुए हैं। और लाजमी बात है कि जब कंपनीज इम्पैक्ट होंगी तो इंडिविजुअल्स भी होंगे। लॉकडाउन से जो इम्पैक्ट का एक अंदाजा लिया जा रहा है लोगों के ऊपर, वो ये है कि तकरीबन तकरीबन 160 करोड़ काम करने वाले जो लोग हैं दुनिया में, उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। तो आपको तो अंदाजा ही है कि तकरीबन 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उनमें से अगर 1.6 बिलियन लोग की अगर आमदनी, उनकी अगर रोजमर्रा जिंदगी अगर इम्पैक्ट होती है, तो ये जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ा क्राइसिस है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा जो सेक्शन है यही स्लाइड में, मैंने कुवैत की कुछ चीजों को उसमें कवर करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो कुवैत ऑयल प्राइसेस जब 60 to 75 डॉलर्स पर बैरल होता है, तो कुवैत की जो इकोनॉमी है वो सस्टेन हो जाती है यही साल की इनकम से। मगर ये साल का जो एवरेज सेलिंग प्राइस ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का जो कर रहे हैं, वो 34 डॉलर से 40 डॉलर के बीच में है। तो यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कुवैत गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा और उसके जो नतायज होंगे वो हम सब पे पड़ेंगे, क्योंकि COVID-19 और ऑयल प्राइसेस का शॉक कुवैत के ऊपर सीरियसली दिखने लगा है। और आप लोग जैसे न्यूज में देख रहे हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपैट्रिएट्स कम करना पड़ेगा, कुछ और मेजर्स लाएंगे, हो सकता है कि यूटिलिटी बिल जैसे होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट हो, या टैक्सेस, जैसे कि हमें पता ही है कि UAE, सऊदी और दूसरे GCC ममालिक में VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरे टैक्सेस आ गए, मगर अभी तक कुवैत इन पे काम नहीं किया था, तो हो सकता है ये सारी चीजें खर्चे बढ़ना शुरू हो। तो इन सारी चीजों को हमें नजर में इसीलिए रखना है क्योंकि ये हमारी सैलरी पे इम्पैक्ट करती है। और जो COVID-19 का अभी तक जो विजिबल इम्पैक्ट रहा है, वो मेरे ख्याल से हम में से बहुत लोगों ने कुछ हद तक उसका एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा। जैसे सुभान अल्लाह कुछ लोगों की नौकरियों पे इम्पैक्ट हुआ है, कुछ लोगों की जो सैलरीज है वो कट होके आना शुरू है, कुछ लोगों की हाफ तो कुछ लोगों की 25%, और किसी को तो अनपेड लीव पर बिठा दिया गया है कि हमारे पास काम नहीं है तो जब तक आप बैठिए, ऑपरेशन आवर्स कम कर दिए गए हैं। वैसे ही है सो बंदों को कहा जा रहा है कि रोटेशन से आओ, तो लाजमी बात है अगर रोटेशन से बुलवाएंगे ये लोग कंपनी के ओनर्स, तो फिर बोलेंगे कि हम सैलरी भी पूरी नहीं दे सकते। वैसे ही है सो कई कंपनीज का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, ब्रांचेस बंद हो चुके हैं, रिटेल के जो आउटलेट्स थे और लगता है कि वो सितंबर तक बंद रहेंगे, तो जो बंदे रिटेल में थे उनको बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई है, जो पहले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स होते थे उनके पास काम इतना होता था कि वो बैकलॉग में चला जाता था, अब उनके पास काम ही नहीं है, वो लोग कुछ परचेजिंग ही नहीं कर रहे। तो अगर परचेजिंग नहीं होगी तो लाजमी बात है जो बिजनेसेस से जो मुतासिर होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। और फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो गए, वो मोस्टली अभी देखने मिल रहा है कि वो हॉल्ट हो गए। तो ये सारे जो इम्पैक्ट्स है वो हम सब इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज नहीं तो कल इसका हमारे ऊपर असर होने वाला है। तो अगर असर होने वाला है तो हमको ये मान लेना पड़ेगा कि ये क्राइसिस है। अगर ये सारी बातों के बाद भी अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये क्राइसिस नहीं है, ये एक खाली एक बबल के वैसा बना दिया गया है, ये मीडिया का खेल है, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि ये कॉल के बाद मुझे बात करें, फोन करें, हम उसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो हमको ये सबसे पहले जान लेना और मान लेना है कि हम एक क्राइसिस में एंटर हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिसेशन की तरफ है, और कुछ का तो मानना ये है कि अगर ये जल्द से जल्द इसको अगर कवर नहीं कर लेंगे तो ये डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, और डिप्रेशन एक बहुत ही सीवियर इम्पैक्टफुल एक सिचुएशन होता है जिसके जो रिकवरी होती है वो सालों में होती है, डेकेड लग जाता है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो एक लाइफ साइकिल होता
उस पर एक छोटी सी मैं रोशनी डाल के मेरा जो मेन मौजू है उसके तरफ आगे बढ़ूंगा कि सबसे पहले डिटेक्शन है कि आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे ये क्राइसिस है क्या, जो मेरे ख्याल से सारे कंट्रीज में हो चुका है। इसीलिए वो लोग अभी इकोनॉमी को रिवाइव करने की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि ना कि हेल्थ की तरफ। उनका मानना ये है कि हेल्थ एक फ्लू के वैसा है, वो मेजोरिटी 80% से ज्यादा 85% से ज्यादा लोग रिकवर हो जाएंगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह देख भी रहे हैं। तो कंट्रीज को जो फोकस करना पड़ेगा वो है इकोनॉमी की तरफ से। तो उसके तरफ से अब आप नोटिफिकेशंस भी देख रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, प्रिपरेशन शुरू हो गए। प्रिपरेशन इंसान को और मतलब इंफरादी लेवल के ऊपर दो तरीके से मेरे हिसाब से उसे तवज्जो देनी चाहिए। एक तो है कि अपनी खुद की हेल्थ की और अपने फैमिली की, अपने आसपास हेल्थ और सराउंडिंग की, और दूसरा है फाइनेंशियल उसकी स्टेबिलिटी की। सुभान अल्लाह, हर बंदा एक जैसी आमदनी वाला नहीं होता और हर बंदे की एक जैसी जिम्मेदारी नहीं होती, तो उसे अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर वो एक बार प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर उसकी रेस्पॉन्स की तैयारी उसकी रहेगी, और जैसे जैसे उसके ऊपर इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो उन्हें सुलझा सकेगा। फिर उसके बाद एक साइकिल जो होती है, और ये पहली बार नहीं है कि पैंडेमिक आया या क्राइसिस आया। इससे पहले जो हम देखें 2008 और 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो भी एक साइकिल के वैसा था। और हमें जैसा हमें हमेशा सिखाया भी जाता है कि अल्लाह के रहम से हमें मायूसी नहीं नहीं लेनी चाहिए, और एक वक्त की बात है और ये एक वक्त है, गुजर जाएगा, सब्र से इंशाल्लाह इसको हमें झेलना है। तो यहाँ पर वो रिकवरी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। अब हमारे मौजू की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो बजट आखिर है क्या चीज? यूजुअली हम सुनते हैं कि कंट्रीज बजट कर रही हैं, हम सुनते हैं कि कंपनीज बजट कर रही हैं, बट जब वो स्पेशली इंसान एक इंफरादी लेवल पे आता है, तो हमारा एक आम और एक कैजुअल अप्रोच होती है, और जैसे कि इंडिया में अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं आया राम गया राम। तो कुछ आ गया उसको हिसाब में ले लिए, गया उसको फिर डाल दिए। तो इसमें यूजुअली हम देखते हैं कि हमारी खास करके कौम अपने निजी मामलों में इतनी परेशान रहती है कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देती, और अगर देती भी है तो उसको रिकॉर्ड इस तरीके से नहीं करती कि उसको समझ सके, उसको उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके। बस वो चल रहा, और अपने परेशानी अपने दिनचर्या में इतने ज्यादा मसरूफ रहते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं समझते। चल रहा ना, पैसा आ रहा, उसको खर्च रहे, हाँ थोड़ा बहुत बचा ले रहे, मगर इसमें क्या होता, आप कभी कोई चीज प्लान नहीं कर पाते। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई मुसीबत आ जाती है या अगर कोई बंदा आजमाइश में फंस जाता है, तो उसके लिए उसके पास कोई एक प्रेजेंट हल नहीं होता, या उसको समझ में भी नहीं आता कि वो फाइनेंशियली वो कैसे टैकल करे। तो ये चीजें आप एड्रेस करते हैं बजट से। तो जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा उसका तारुफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बजट में दो चीजों को कवर करते हैं। एक तो आपकी जो सारी आमदनी है वो आप ले लेते हैं, और दूसरी तरफ आपके जितने भी खर्चे हैं, अखराजात हैं, उनको आप लिख लेते हैं। तो आपको पता चलता है कि आपका जो पोजिशन है फाइनेंशियली वो स्टेबल है या नहीं है, या आपको उसके ऊपर ज्यादा कुछ मेहनत करनी चाहिए। तो एक बार आपको जब उसके ऊपर स्टेबिलिटी और आपको जब अपनी एहतसाब हो जाता है फाइनेंशियली के ये सही है मेरे लिए या नहीं है, तो आप उसके लिए मेजर्स तैयार करना शुरू करते हैं कि चलिए मैं कौन से चेक्स और बैलेंसेस जो कहते हैं कि मैं कौन सी चीजें करूंगा तो मेरे यहाँ पर बचत होगी, या मेरे यहाँ पर से कौन सी चीजों में सेविंग्स शुरू करनी है। तो ये एक एक छोटा सा बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये चीजें सारी जो मेरी फाइनेंशियल, मेरी सैलरी, मेरी जो चीजों से रिलेटेड है, मैं उनको कवर करूं। इसमें मैं एक पहलू सबसे जो अहम एक मुसलमान के लिए है उसको कवर करना जरूरी समझता हूँ। वो ये है कि
एक मुसलमान को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैं कमा रहा हूं और ये मेरी आमदनी है और ये मेरी आमदनी मेरे लिए है। ये मानना हमारे लिए सरासर गलत है, क्योंकि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है, जिसमें एक सहाबी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि या अल्लाह मेरा भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक भाई है जो बस बैठे रहता, इबादत करता और कुछ कमाता नहीं है, और पूरी मेरी पे जिम्मेदारी है, मैं कमा रहा हूँ, मैं उसे पाल रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं कि ये मत समझो कि तुम जो कमा रहे हो तुम्हारी तुम्हारी मेहनत या तुम्हारे तरफ से है। तुम ये जो कमा रहे हो सकता है कि अल्लाह ताला उस भाई के तरफ से तुम्हें ये पैसा दे रहा है। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं खुद को और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम जो कमाई करते हैं या हम जो कमा रहे हैं, ये हमारा पैसा नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है कि अल्लाह ताला हमारे थ्रू किसी को जो पैसा पहुंचा रहा है, हो सकता है उनके तरफ से हम कमा रहे हैं। तो ये जो लोग कभी हमारी तारीफ कर देते हैं या कहते हैं कि अरे आप बड़े हैं, ये एक गलत फहमी है जिसे हम सबको बचना है, और अल्लाह हम सबको इसे माफ करे। तो यहाँ पर मैं ये जो हदीस और एक डाला हूँ कि एक छोटा सा आधे खजूर से भी अगर आप किसी की भी मदद कर सकते हैं तो करें। कभी हमारे जहन में हो जाता है कि नहीं, मेरे पे बहुत ज्यादा खर्चे हैं या मेरी जिम्मेदारी है, तो उससे भी अल्लाह ताला आपको नवाजेगा और अल्लाह ताला आपके आपके सवाब में लिखेगा। मगर सदका खैरात का इस्लाम में एक बहुत बड़ा पहलू है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर मुसलमान पे। तो आपकी कितनी भी कमाई हो, उसमें से जब आप अपना एक बजट बना रहे हैं, अपना एक हिसाब बना रहे हैं, उसमें कोशिश करें कि थोड़ा सा या कुछ ना कुछ एक हिस्सा आप है सो अपनी चैरिटी के लिए रखें इंशाल्लाह। और दूसरी चीज जो बजट को लेकर हमें याद रखनी है वो है इसराफ। अक्सर देखा जाता है कि लोग वेस्टेज में चले जाते हैं, और देखिए जो सुभान अल्लाह जो इसराफ है या जो वेस्टफुल है, वो एक बहुत ही ट्रिकी वर्ड है मेरे लिए तो एटलीस्ट। मतलब स्कॉलर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है, और IMA के प्रोग्राम्स में भी इस पे हमने कई बार तवज्जो दिलाई है और इस पे इसके ऊपर बात की गई है। बट इसराफ एक ऐसा वर्ड है जो इंडिविजुअली लेना है। जैसे कि एक बंदा होगा, अगर वो बहुत अमीर है तो उसके लिए उसके हिसाब की गाड़ी खरीदना नॉर्मल बात है, मगर अगर एक जिसकी आमदनी या जिसकी जो जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर कोई बंदा जाकर सिर्फ दिखावे के लिए और लोगों को बताने के लिए अगर खर्चा करता है तो वो इसराफ में चले जाता है। उसकी बहुत बड़ी पकड़ है और उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अनग्रेटफुल है, वो शैतान का दोस्त है और वो सारी चीज है। तो हम जब बजट भी बना रहे हैं तो ये हमेशा हमारा चेक और बैलेंस होना चाहिए कि हमारे जो खर्चे हैं, अखराजात है, वो क्या उस तरफ हमें ले जा रहे हैं जो तरफ दिखावा है, या उस तरफ हमें ले जा रहे हैं जहां पर बेफजूल खर्चा है। जैसे हम देखते हैं अक्सर शादियों में, खास करके शादियों में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, हमको दिखावा करना है, या हमको वहां पर दिखाना है कि कितना ज्यादा हमारे पास खाना है, हमारे पास कितना बड़ा हमने शादी खाना लिया, या हम कैसा हम लोगों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक मुसलमान को शुभा नहीं देता, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो कैपेसिटी है, अल्लाह सुबहान ताला हमेशा से इंसान को जितना नवाजता है उसी के हिसाब से फिर उसकी पकड़ करता है। तो अगर आपकी उतनी इस्तेतात है तो आप उतना खर्चा करें, ना कि जितनी चादर है उससे ज्यादा अपने पैर फैलाने की कोशिश करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो बजट और इस्लामिक पहलू और दायरे में रह के हमें सोचना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए दो चीजें हमें, मैं यहाँ पर ये स्लाइड में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक तो ये है कि जो बजट होता है वो सब लोगों के लिए सेम नहीं होता। मेरा मानना है कि जो टॉपिक है वो जरा बोरिंग है और इसके ऊपर ज्यादा
कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो नहीं सकती, मगर मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि आप लोगों को इंगेज रख के मैं आप लोगों के सामने ये बातें रखूं। तो सबसे पहले ये बात हम सबको जान लेना चाहिए कि एक इसका स्टैंडर्ड स्टाइल या टेम्पलेट नहीं होता कि मैं, अगर वैसा होता तो मैं 2 मिनट में ये पूरा बजट आप लोगों को बना के भेज देता और बोलता कि भाई आप लोग ये इसमें एंटर कर लिए नंबर्स और आप लोगों का काम हो गया। वैसे नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने हिसाब से और अपने माहौल और अपना जो उसकी जो जिंदगी है उसको नजर में रख के करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ चीजें प्रोफाइलिंग के हिसाब से लिखा कि एज, ये जो उम्र है बजट के हिसाब से मेरा मानना यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो बंदा होगा यंग 25 साल का होगा या 27, 28, 30 साल का होगा, उसका सोचने का तरीका, उसका कुछ बचाने का तरीका, उसका जो काम करने का तरीका होगा वो बहुत अलग होगा बनिस्बत एक जो बंदा 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया। जैसे हो सकता है कि जो बजट में अपना जो एलोकेशन करेगा या परसेंटेज करेगा, खर्चे बढ़ा के करेगा जो यंग बंदा रहेगा, क्योंकि उसको रिस्क ले सकता हो। अगर वो इन्वेस्ट भी करेगा तो बोलेगा मैं रिस्क लेके करूंगा, अगर वो डूब भी जाता है तो मुझे चलेगा। और वही अगर 35-40 साल के आप बंदे से बजट के बारे में पूछेंगे तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, उसके जो माहौल और हालात होते वो कुछ अलग होते। हो सकता कि उनके उनके बड़े, उनके माँ बाप चूंकि अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, और उस बंदे के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उसके बाद उसकी शादी हो चुकी होगी तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो उसका जो बजट रहेगा बहुत अलग रहेगा। वैसी कुछ कमिटमेंट्स आपको अपने जहन में रखना है बजट बनाते वक्त। जैसे हो सकता है कि अब आपके बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं तो उसके लिए आपको साइड में आपको पैसे रखना शुरू करना पड़ेगा, या आपने कुछ घर खरीदा होगा या गाड़ी खरीदी होगी तो उसके कमिटमेंट्स होंगे आपके पास। तो ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से पर्सनली बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरी जरूरतें हैं और क्या मेरी जिम्मेदारियां हैं। इन चीजों को आप जब नजर में सामने रखेंगे तो आपका बजट लॉजिकल रहेगा और लॉन्ग टर्म रहेगा। और एक दूसरी चीज आपको हमेशा बजट बनाते वक्त सामने रखनी है, वो ये है कि गोल्स। अक्सर मेरा जो इंटरेक्शन होता है मुसलमानों से और गैर मुसलमानों से, माशाल्लाह मैं दाद दूंगा और सलाम भेजूंगा हमारे गैर मुसलमान भाइयों पे कि उनकी जो पकड़ होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे और उनके जो टारगेट्स होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स हो गए, एजुकेशनल गोल्स हो गए, फैमिली गोल्स हो गए, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं और वो लेके चलते हैं। बट हमारी, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, इवन जो तालीम शुदा कौम है उनके पास ये बहुत हद तक लैकिंग होता है कि उनको करना क्या है। आप उनसे पूछें कि आने वाले 3 साल में आपके गोल्स क्या है, खामोश। आप उनसे पूछें कि आने वाले आप दिनों में किस चीज से पैसा बचा के आप इन्वेस्ट करना चाह रहे, खामोश। यहाँ तक कि मेरा ये भी देखना है कि जब ट्रेनिंग्स होते, ये तो माशाल्लाह IMA का प्लेटफॉर्म है, इस पे लोग जुड़े हुए हैं, कमिटेड हैं, तो आते हैं कॉल इसके ऊपर, जूम में आ रहे हैं या ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं। बट जो लोग के पास वक्त है वो लोग इसको छोड़ के कितना वक्त ट्रेनिंग्स में लगा रहे हैं, कितना वक्त अपना टाइमिंग जो है अपने आप को उभारने में लगा रहे हैं या फाइनेंशियल गोल्स में लगा रहे, कुछ नहीं। हमारे जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं देखा हजार हजार के जो ट्रेनिंग भी हो रहे हैं, मैं जिसमें इन्वॉल्व हूँ, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट निल है। तो यहाँ पर मैं ये बात बजट से ले रहा हूँ, मगर जनरली भी हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। बजटिंग गाइडलाइंस जो आप राइट साइड देख रहे हैं ये स्लाइड में, वो है कि लोग को बिगनिंग में जब वो सोचना शुरू करेंगे कि आखिर मैं डालूं क्या, तो एक्सपेंसेस में और इनकम तो सबको पता ही होती है क्योंकि वो एक या दो जगहों से आती रहती है, बट एक्सपेंसेस मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जनरल जो एक्सपेंसेस जो ऑलमोस्ट हर बंदे के होंगे वो यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। जैसे हाउसिंग हो गई, हो सकता है रेंट हो गया या उसके अलाउंसेस हो गए या उसके फिर दूसरे मेंटेनेंस अलाउंसेस या वो सारी चीजें होंगी। ट्रांसपोर्टेशन में आप अपनी गाड़ी का खर्चा ये सारी डाल देंगे। फिर खाने का आ गया, ग्रोसरी के आ गए, हो सकता है कि आप बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाते
वो सारी चीजें आ गई। हो सकता है कि फिर आपके खर्चे हों, वो इसमें आपको लिखना है कि मंथली कितना कट रहा है। पर्सनल और डिस्क्रिशनरी, जैसे कि आपके खुद के पर्सनल कुछ खर्चे होते हैं। और फिर मैं यही बोलूंगा कि वक्त ऐसा है कि अपने आप पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो अपने बजट में आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ एक हिस्सा रखें खर्चा करने का, जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कुछ फायदा दे सके। सेविंग्स हो गई, जैसे हमारे पे एक जिम्मेदारी है खुद की, फैमिली की, और ये तो हमेशा एक हिस्सा सेविंग्स पे तवज्जो दें। चैरिटी, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में कवर किया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है और हमें कवर करना चाहिए, तो चैरिटी का रखें। यूटिलिटीज जैसे बिल्स हो गए, दूसरे अखराजात हो गए, कपड़े, मेडिकल, ये सारी ये जनरल चीजें हैं जो जब आप अपना बजट बना रहे हो, इन चीजों को एक बार देख लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि आप कौन सी चीजें आपके बजट में लेनी चाहिए। फिर अब आप बात ये है कि आप बजट समझ गए हैं कि क्या होता है, समझ गए हैं कि उसमें चीजें क्या क्या आ सकती हैं, अब आप उसको बनाएंगे कैसे, या उसके अंदर अब आप जब बनाना शुरू करेंगे तो क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जब आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं कि आप, लाजमी बात है कि आप लोग कुछ हद तक या बहुत हद तक इसको बजट को महीने को महीना बना रहे होंगे। और ये मेरा यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई नई चीज सिखाऊं, ये बस एक याद दिहानी है कि हो सकता है कि आप पहले करते थे, फिर हालात माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए तो इसको छोड़ दिए, या सोचे कि नहीं भाई मेरा जितना खर्चा है उसी में मेरा साइकिल चल रहा, मैं क्यों बजट बनाऊं। तो ये एक याद दिहानी है कि ये साइकिल करने से आपको कुछ चीजों पे पकड़ आ जाएगी। तो मेरी अदबन गुजारिश होगी कि आप लोग इसको एक एक्सरसाइज और एक रूटीन में लाने की कोशिश करें, और आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके नताइज के जब आप रूटीन में इसको करेंगे तो इसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे बनिस्बत जितना टाइम आप इस पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें। आपके बेगम हो गए या आपके बच्चे बड़े हो गए, तो उनसे इसके ऊपर थोड़ी हमेशा से बात करें कि ये मैं बना रहा हूँ बजट, तो इसमें क्या कट होना चाहिए, क्या रहना चाहिए। तो इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये रहना चाहिए या कैसा बजट बनना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा कि गोल सेट करें। बजट तो महीने का बनेगा, फिर उसके बाद आप उसको एक्सपेंड अगर करेंगे तो वो साल का बनेगा, हो सकता है कि उसको और लंबा करना चाहे तो कर सकते हैं आप। मगर जब तक आपके पास गोल्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास टारगेट नहीं होंगे, आप पैसा बचाने का उतना सोचेंगे भी नहीं, और अगर आप बचा भी लेंगे तो उसको कहाँ पर खर्च करना है या कहाँ पर लगाना है उसके ऊपर आपके पास कोई कोई एक ठोस वो नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले फिर गोल सेट करें, फिर उसके बाद आपकी जरूरतों को समझें। कभी क्या होता, एक हमारी जरूरत होती और हमारी ख्वाहिश होती, हम इन दोनों को मिला देते। मिलाने के बाद हम क्या करते, जो ख्वाहिशें हैं उनको जरूरत के तरफ से सोचकर बड़े बड़े खर्चे शुरू करते। नहीं भाई ये तो करना ही है, हमको इतना तो करना ही पड़ता, और ये हो सकता है कि 5 बार रेस्टोरेंट तो जाना ही है महीने में, या ये कपड़े तो हमको खरीदने ही है और हर महीना इतना तो खर्चा करना ही है। तो ये जो चीजें हैं हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या है, और खास करके हम जो एरा में अभी हैं, जो कोविड 19 का जो एरा है, इसमें ये जो बाइफरकेशन है या आप जो इनको अलग अलग करेंगे, इसमें आपको समझ में आना शुरू होगा कि अभी मुझे सर्वाइवल और जो जरूरत है उसके हिसाब से मुझे काम करना चाहिए, ना कि बस जो खर्चे हो रहे हैं उनको चला लेते रहना। फिर उसके बाद आप अपनी सारी इनकम जो है उनको एक तरफ लिख लें, उसके बाद जो आपके सीजनल एक्सपेंसेस होते, जैसे कि आपके बच्चों की फीस हो गई, महीने की तो नहीं होती, वो टर्म वाइज आएगी, वैसे हो सकता है कि आप लोग जो ट्रैवलिंग करते वो सीजनल एक्सपेंस हो गया, और हो सकता है कि आप लोगों के कुछ एनुअल एक्सपेंसेस होंगे, इंश्योरेंसेस के प्रीमियम्स होंगे, तो वो सारे आपको जहन में रखना है ताकि आप मिस ना करें। वरना ऐसे होगा कि आप एक बजट बना लेंगे
और उसको समझेंगे कि अरे मेरे पास तो इतना एक्स अमाउंट महीने को बच रहा, बट जब वो सीजनल एक्सपेंस आएगा वो सारा ड्रेन आउट कर देगा। और आपके पास अगर वो टाइम पे अगर सेविंग्स भी सही तरीके से नहीं है तो उसको आपको जूझने के लिए मुश्किल होगी। फिर उसके बाद आपकी नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, वहां से आप सोच सकते कि अरे इतनी इनकम मेरे लिए कम है, मैं इससे ज्यादा बचाना चाहिए। तो आप वापस एक्सपेंसेस पे जाएंगे, एक्सपेंसेस को आप फिर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये सारा होने के बाद आपके पास एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, मैं महीने को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 10 दिनार मैं बचा रहा हूँ। अब ये 10 दिनार वाकई में क्या मेरी बचत हो रही है? इतनी मैं जो महीने की मेहनत करता हूँ या इतना जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या 10 दिनार जो मेरे बच रहे हैं क्या वो रीजनेबल है? तो अब आप उसको ट्रैक करके उसमें फिर आप एडजस्टमेंट्स करना शुरू करेंगे और वैसे ही वो मैच्योर होता चला जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है बजट बनाने की, आप इसको ये मत समझिए कि मैं एक बार बना दिया तो मेरा टारगेट अचीव हो गया और अब उसको मैं छोड़ दूंगा। ये एक रूटीन वाली चीज है और आपको जो करना है, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप जाके मेहनत करते हैं, जैसे आप कमाते हैं और जैसे आप खर्चा करते हैं, वैसे ही अगर आप बजट मेंटेन करना शुरू करेंगे तो फिर उसके फवायद आपके सामने आएंगे। ना कि आप एक बार बना के बोलेंगे कि चलो भाई मेरा काम हो गया, उसके बाद फिर मेरे जो फायदे नहीं आ रहे, तो वैसे नहीं होगा। तो इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है, जैसे कि सारी चीजों में है। हम हमेशा से ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके तरफ से छूट जाता है। ये है टेम्पलेट जो मैंने बनाया, आप लोग प्रेजेंटेशन में मैं सारी पॉइंट्स लिख दिया हूँ, इसको आप लोग इंशाल्लाह देख लेंगे तो कवर हो जाएगा बाद में। और ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जब हम शेयर करेंगे ये टेम्पलेट ये सब प्रेजेंटेशन, तो उसमें से आप इसमें ये लेके यहाँ पर बजट और एक्चुअल्स कैलकुलेट हो जाए। पहले तो बजट आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल्स लिख देंगे, एक्चुअल्स के बाद फिर उसके बाद डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस के बाद आप उसके नोट्स लिख लेंगे, तो आप कवर कर लेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर जो मेरे पास एक दो स्लाइड बाकी है, इंशाल्लाह उसके बाद बात खत्म करूंगा मैं अपनी। तो एक हो गया, फिर बजट इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे मैंने बताया कि गोल्स आप सेट करेंगे इससे, उसके बाद आप जो पैसा जो कमा रहे हैं वो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर खर्चना है कहाँ पर नहीं खर्चना है। फिर उसके बाद अगर आप सही तरीके से अपना बजट बनाते आ रहे हैं तो आपका रिटायरमेंट इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है, आपके आप गोल्स अचीव कर सकते हैं। आप सही तरीके से अगर बजट मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी इमरजेंसीज जो है वो कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके जो हैबिट्स है, स्पेंडिंग हैबिट्स, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और वो और दूसरी चीज ये है कि आपको मुसीबत आने से पहले आप है सो एक जायजा ले चुके होंगे कि आपके पास कितना पैसा है, ना कि मुसीबत आने के बाद आप चेक कर रहे कि अरे मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मैं किसी से लोन ले सकता हूँ क्या, क्या कभी मेरे पास बैंक क्रेडिट मिल सकता है क्या। ये सारी चीजें आखिरी पे नहीं छोड़ेंगे आप, बजट में हमेशा कवर हो जाएंगे। और फिर एक जो बजट बनाने की एक टेक्निक है और हार्वर्ड ने भी इसे सराहा है, वो ये है कि 50-30-20। तो इसमें वो लोग ये कहते हैं कि जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो एक्सपेंसेस करते हैं उसको आप मंथली जो इनकम होती है ना उसको 50% में कवर कर लेने की कोशिश करें, फिर जो 30% होता है वो अपने हिसाब से करें। तो जैसे मैं बता रहा था कि अपने ट्रेनिंग्स के ऊपर या अपनी जरूरत जो अपने कुछ शौक होंगे उनको अगर आपको कंप्लीट करना है तो वो 30% के अंदर करें, 20% आपके इन्वेस्टमेंट्स पे जाएं और इसको सेविंग्स में डालें। ये भी जो 20% है हो सके तो आप इनको दो तीन तरीके से डिवाइड कर दें कि एक शॉर्ट टर्म हो गया जो छुट्टियों पे आप खर्चा करेंगे ये करेंगे, फिर दूसरा हो गया मीडियम टर्म जो आपका आप जैसे घर खरीदने पे हो गया या कुछ और जो चीजें होती हैं उनके लिए बचा रहे हैं, और तीसरा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे कैश के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ताकि आप जब बूढ़े हों या जब इंशाल्लाह आपके पास दूसरे चीजें ना हो सुभान अल्लाह तो आप इसमें से खर्चा कर सकें। तो ये बजट की एक टेक्निक है जो यूजुअली यूज होती है। आखिरी जो मेरी स्लाइड है, मैं इसके साथ अपनी बात भी खत्म करूंगा इंशाल्लाह, कि बजट हम जो अभी तक कवर कर रहे हैं वो है कि आप कैसे बजट बना रहे हैं, आप किसके फायदे हैं, बट अभी हम एक सर्वाइवल मोड पे आ चुके हैं। जो कोविड-19 है उसमें हम देख रहे हैं कि
अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और अभी हमको तैयारी और इसीलिए करनी चाहिए कि ये कोविड के साथ हमको रहना है, कोविड जाने वाला तो नहीं है बहुत जल्द, सुभान अल्लाह अगर चला गया तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह से दुआ भी है, बट दिख रहा है कि कोविड के साथ हमको अभी रहना पड़ेगा। तो अगर हमको रहना है तो गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और कंपनी सारे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर हम अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो हमको सबसे पहले सर्वाइवल मोड पे जाना है, जो हमारे जो पहले जो खर्चे जो खुद हम मानते हैं कि फजूल थे या गैर जरूरी थे उनको हमको बंद करना पड़ेगा। हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको एक बार जायजा लेना पड़ेगा कि वो क्या वाकई में हमको इन्वेस्ट करे बाद पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ऑल्टरनेट इनकम, जैसे लोग अपने सैलरीज डिडक्शन में हो रहे हैं या उनकी नौकरियां चले जा रही हैं, एक ऑल्टरनेट एक पैसिव इनकम जो होती है वो है क्या? अगर नहीं है तो क्या हम जेनरेट करना शुरू कर सकते हैं? अपना घर है तो किराए पे दे दें, अगर और कुछ, अगर खुद में कोई सलाहियत है तो उसको ट्रेनिंग्स में दूसरों पे लगा के कुछ आमदनी शुरू कर दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो आपके पास दूसरी इनकम हो। देखने अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स, बैंक्स कुछ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, तो हमारी आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए कि हम पर हमारी नजर हम दौड़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 महीने के लिए लोन्स, उन्होंने अभी उसको मोरेटोरियम बेसिस के ऊपर रोक दिया है कि आपके कुछ लोन्स हैं तो हम 6 महीने तक उनको डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हालात खराब है। तो इन चीजों पे हमेशा नजर रखनी चाहिए, वरना हम परेशानी में ही मुब्तला रहेंगे और जो बेनिफिट्स है मार्केट में वो छूट जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने आप पे, जैसे मैं कह रहा था, इन्वेस्ट करें, कुछ ट्रेनिंग्स हो या अपने आप को सेहतमंद रखें, और हो सके तो हेल्थ जो रिलेटेड चीजें हैं उन पे खर्चा करें, हेल्थ इंश्योरेंसेस हो गए या सैनिटाइजर्स हो गए, ये आज की जरूरत है, उसके ऊपर हमेशा तवज्जो दें। प्लान फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए अल्लाह महफूज रखे, मगर प्लान रहेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता आता है तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। और एक रिजर्व हमेशा कोशिश करें कि 3 से 6 महीने का इन हालात में अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, रिजर्व बना के रखें। अगर वो अगर हम रखते हैं तो इनशाला अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई मुसीबत आती है तो एटलीस्ट वो 3 से 6 महीने हमारे आसानी से गुजरेंगे, ताकि हम अपने आप को उसमें से निकालने के ऊपर को तवज्जो दें, ना कि है सो कैसा पैसा आएगा, कैसे सरवाइव हो, उन चीजों के ऊपर हम फोकस करें। मेरे अजीज भाइयों, ये मेरा प्रेजेंटेशन इसके साथ खत्म होता है। अल्लाह ताला से गुजारिश है कि हमने जो मैंने जो कहा और आपने जो सुना, ते अपनी जिंदगी में लाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और इंशाअल्लाह मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा।